स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया फोर्स अकेडमी। सब टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सेवा में, यानी आपकी सेवा में। हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शन चैप्टर के बारे में। जैसे ही हम आगे बढ़ें, उससे पहले मैं एक रिमाइंडर आपको याद दिला देना चाहता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमसे जुड़े रहिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शन के बारे में। फंक्शन में कल हमने जो प्रीवियस जो अपनी क्लास थी, उसमें हमने डिस्कस किया था सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन के बारे में तो जैसे ही कोई सिग्नम फंक्शन की तीन वैल्यू होती हैं, 1, 0 और -1। जब x की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो वैल्यू रहेगी 1। x की वैल्यू इक्वल टू 0, तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू रहेगी 0। और वेन x इज लेस देन 0, देन सिग्नम फंक्शन की वैल्यू रहेगी -1। इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, कई बार आपको GIF ये भी लिखा मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म। ये फंक्शन किस टाइप का होता है? जैसे आपको ऐसा दिखाई दे fx इज इक्वल टू इस टाइप का बॉक्स, तो ये बॉक्स किसका है? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जैसे नाम से ही क्लियर है कि कैसा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी जो भी हम वैल्यू रखेंगे उसका जो सबसे बड़ा इंटीजर है, यानी जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो हमें लेना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने इस ब्रैकेट में लिखा 7.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट में लिखा 7.9। तो 7.9 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 7.9 तक यदि नंबर लाइन पे विड्रॉ करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये वैल्यू कहीं यहाँ पे होगी। 7.9 वैल्यू कहीं यहाँ पे होगी। अब वैल्यू यहाँ पे है, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है 7 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 7। तो इसकी वैल्यू आती है 7। ये ऐसा ही फंक्शन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें लेनी होती है। अच्छा, इसके बाद यदि 10 लिख दें, तो 10 में तो खुद 10 आ गया। ये खुद 10 क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी हमें उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हटा देना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। जैसे 3.1, तो 0.1 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हटा के इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3। अच्छा, अब बात करें नेगेटिव टर्म्स की, -3.2 में का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो कई बच्चे लिखेंगे -3.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत। तो फिर नंबर लाइन पे हम देखते हैं इसको, इसको भी नंबर लाइन पे देखते हैं, 0, -1, -2, -3 एंड -4, -2, -3। अच्छा, -3.2 कहाँ पे होगा? -3.2 कहाँ पे होगा? जहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा -3.2? यहाँ पे आएगा। अच्छा, इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? -4। इससे पहले कौन सा है? -4। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -4। -3.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? -4 की। हमने नंबर लाइन पे देख भी लिया कि इसकी -4 क्यों आएगी, क्योंकि इससे पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना है? -4। अच्छा, पाई लिखा दे, पाई लिख जाए, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 3, क्योंकि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 3.14। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 3। तो पाई यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3। अच्छा, ई आ जाए तो ई की होगी 2, क्योंकि ई की वैल्यू होती है 2.30 ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2। ओके, हम आगे चलते हैं।
ग्राफ देखते हैं, अपन देखते हैं इसका ग्राफ। देखते हैं इस पर आप एक इसका ग्राफ बनेगा। देखते जैसे ये हमने बना लिया एक्स वाई एक्स और ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके बिल्कुल ठीक। अब देखो यदि मैं वैल्यू जीरो रखूंगा तो ग्रेटेस्ट वाई इज इक्वल टू क्या है अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जी आई एफ ओ एक्स। अब यदि मैं एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो वाई की क्या वैल्यू आएगी, देखो जीरो रखूंगा वाई की वैल्यू जीरो, यानी ये पॉइंट आ गया। चलो ठीक, एक्स की जगह मैंने रखा वन तो वाई की वैल्यू क्या आएगी वन, यानी एक्स की जगह मैंने वन रखा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी वन। ओके ये वैल्यू आई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके इसी तरह से टू रखूंगा तो वाई की वैल्यू आएगी टू, ऐसे चलेगा। माइनस जैसे माइनस वन रखूंगा तो माइनस वन ग्रेटेस्ट को जो माइनस वन आ जाए, यानी इस टाइप की आएगी। अब मैं बात करता हूँ कि बीच की वैल्यू। अच्छा जब मैं रखता हूँ एक्स इज इक्वल टू 1.1 तो वाई की वैल्यू कितनी आती है, वाई की वैल्यू क्या आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 तो वाई की वैल्यू क्या आती है वन, यानी 1.1 पे यानी 1.1 रखूंगा तो भी वाई की वैल्यू क्या रहेगी वन ही रहेगी ये वैल्यू, यानी ये वैल्यू टू तक यानी यहाँ पे टू लगा लो टू तक क्या रहेगी वन ही रहेगी, और टू पे आते ही वैल्यू यहाँ पे चले जाएगी, टू पे आते वैल्यू क्या रहेगी टू हो जाएगी, तो ये क्या रहेगा इसका ओपन पार्ट और इसमें वन इंक्लूड होगा। तो इस टाइप का ग्राफ है, इसमें जो जीरो से लेकर वन के वैकेंट पार्ट तक वैल्यू क्या रहेगी जीरो, जैसे 0.9 रखते हैं एक्स तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी जीरो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है जीरो। इसी तरह से नेगेटिव पार्ट आएगा, इसी तरह से क्या आएगा नेगेटिव पार्ट, 1.-0.9 लिखेंगे तो भी कितनी वैल्यू आएगी माइनस वन। ओके तो इस टाइप का इसका क्या बनेगा ग्राफ, ये एक साइड का इंक्लूड करेंगे एक साइड का एक्सक्लूड करेंगे, ये बनेगा इसका ग्राफ। जैसे आप बताइए यदि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू 1.5 से लेकर 1.8 तक बिलोंग कर रहा है तो y की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए 1.5 से लेकर और 1.8 तक बिलोंग कर रहा है तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है वन, तो y की वैल्यू क्या रहेगी वन। इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान, वेरी इजी। ओके अब हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो इसमें आप बताओ इसकी डोमेन क्या है, डोमेन क्या है। अच्छा डोमेन क्या था x की वैल्यू, डोमेन क्या है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो x की सारी वैल्यू आ रही है। देखो जीरो भी आ रहा है, जीरो से लेकर वन, वन भी आ रहा है यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ तो आ रहा है वन भी आ रहा है टू भी आ रहा है थ्री भी आ रहा है, और उनके बीच की वैल्यू भी सारी आ सकती हैं, यानी डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर। अब बात करें रेंज की, रेंज मतलब वाई एक्सिस, रेंज मतलब वाई एक्सिस पे वैल्यू। अब वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या ये वैल्यू आ रही है वाई की, नहीं आ रही, यहाँ पे कुछ कोई भी ग्राफ नहीं आ रहा है, यानी क्या आ रहा है जीरो पे आ रहा है वन पे, हाँ वन वैल्यू आ रही है यहाँ पे, यहाँ तो वन ही है, वन से टू के बीच में कोई वैल्यू है नहीं है टू ही है, यानी क्या है ऑल इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू आ रही है। रेंज क्या है ऑल इंटीजर, वन टू माइनस वन इस टाइप की वैल्यू आ रही है, यानी ऑल इंटीजर वैल्यू आ रही है रेंज वाई पे। ओके आगे चलें, इसके डोमेन हो गई आर और रेंज हो गई ऑल इंटीजर वैल्यू। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1.5 टू 2.8। अब क्या क्या हो गया, एक्स दो डिजिट पे बिलोंग कर गया यानी 1.5 से लेकर 2.8, यानी इसमें दो इंटीजर आ गए वन भी आ गया और टू भी आ गया, तो इसमें फंक्शन क्या होगा स्प्लिट हो जाएगा। कैसे,
यदि एक्स है वो 1.5 से तो क्या है बड़ा है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 2 से क्या है छोटा है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू आएगी 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1। अच्छा अब एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 2 से लेकर 2.8 तक, यहाँ इक्वल भी आ सकता है, 2.8 तक तो इक्वल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 रख देंगे तो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 3 पे तो चेंज हो जाएगी ना वैल्यू, 2.8 तक वैल्यू यहाँ पे इक्वल भी आ सकता है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 2। तो ये स्प्लिट हो जाएगा फंक्शन अपने दो पार्ट में, इसकी दो वैल्यू आएंगी 1 एंड 2 अलग अलग कंडीशन में। ओके इतना समझ में आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ में आया, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ भी हमने देख लिया और इसकी रेंज और डोमेन भी हमने देख लिया। यदि आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अच्छा उसमें इंटीजर पार्ट था, अब इसमें क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, इसमें क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो नाम से क्लियर है, कैसे कैसी वैल्यू लेनी है, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी है। अच्छा किस टाइप का फंक्शन होता है, इसमें आता है अपना कर्ली ब्रैकेट, एफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स। अच्छा कर्ली ब्रैकेट एक पहले हमने कहाँ देख लिया, सेट में देख लिया, अब आता है ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अच्छा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स में से हम क्या माइनस कर दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, यानी जो जो वैल्यू हमें दे रखी है उसमें से उसका इंटीजर पार्ट यदि हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। आगे चलते हैं देखते हैं इसकी वैल्यू, जैसे 3.3, ओके 3.3 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन दे रखा है हमें। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, 3.3 यानी एक्स की वैल्यू जगह 3.3 की लिख दिया, माइनस क्या किया बॉक्स, 3.3 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो 3.3। अब इसकी वैल्यू आप बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट इंटीजर क्या है 3 है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे अपन 3.3 - 3, तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3.3 - 3 वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 0.3। दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.3, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगला देखते हैं 7, यदि मैं रखता हूँ 7, 7 वैल्यू, तो देखिए 7 में से माइनस करूँगा मैं बॉक्स 7, ओके 7 में से, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा 7 का, तो 7 का 7 ही रहेगा, यानी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी ऑल इंटीजर, अब 7 है यहाँ पे 8 होता या 1 होता 2 होता -1 -2 कुछ भी होता, यानी ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, ऑल इंटीजर हैव फ्रैक्शनल पार्ट 0, हैव फ्रैक्शनल पार्ट 0, यानी सभी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 होता है। ओके ये एक नई बात हमने सीखी। अब देखते हैं हम पाई का, उसमें तो पाई का क्या आ रहा था 3 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं पाई का क्या रहेगा, तो पाई माइनस बॉक्स पाई, अच्छा पाई की कुछ वैल्यू थी हमने नहीं, हमें याद नहीं है, सपोज हमें याद नहीं है 3.14, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है ना, ये तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख लेते हैं, लेकिन पाई की एक्चुअल में वैल्यू नॉट डिफाइंड है, मतलब अभी डिफाइंड नहीं हुई है, एक इरेशनल नंबर आता है, तो हम पाई की जगह क्या रखते हैं पाई। अच्छा पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमें पता है, ये कितना आता है 3, ये कितना आता है 3, पाई माइनस 3 ये आता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई। ओके अगला देखते हैं -3.3, यस माइनस की क्वांटिटी क्या आती है, तो देख लेते हैं एक्स की जगह क्या लिखा, -3.3 माइनस बॉक्स -3.3। ओके अब हम मैंने बताया था आपको यदि नेगेटिव पार्ट है तो वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट में वैल्यू बढ़ने का मतलब है वैल्यू कम हो, एक्चुअल देखो 1.5 इसका तो बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है 1, लेकिन जैसे -1.5 है इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है वो क्या आता है -2 -2, नंबर लाइन पर भी हमने क्या किया था देखा था, जैसे देखो 0 -1 -2, 1.5 कहाँ होगा -1 से बिल्कुल हाफ पॉइंट पर, ये 1.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है -2 है, इसलिए क्या वैल्यू हो जाती है यहाँ पे बढ़ जाती है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में एक्चुअली बढ़ने का मतलब क्या है कम होना, जैसे -4 बड़ा है या -5, तो एक्चुअली -4 बड़ा है,
वैल्यू तो इंडिविजुअल 4 से 5 गई है, लेकिन नेगेटिव में जाने की वजह से ये क्या हो गया, कम हो गया। ये क्या है, कम हो गया। तो कम तो होता है लेकिन वो इंटीजर बढ़ता है उसका, -1 और -2, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 पॉइंट कुछ है, तो -3 पॉइंट कुछ है तो इसका क्या आ जाएगा, -4। अच्छा माइनस आ गया, इधर भी माइनस है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या गड़बड़ हो गई, इसका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा हमें, पॉजिटिव क्वान्टिटी। अब देखते हैं यहाँ पे, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आ गई वैल्यू 4 -3.3, यानी अब वैल्यू क्या है, 0.7। क्या वैल्यू आई, 0.7। और एक्चुअल में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी ही नहीं। नेगेटिव क्यों नहीं आएगी, नेगेटिव में वैल्यू हमने रख के देख ली, नेगेटिव में वैल्यू रख के देख ली, तो हमेशा नेगेटिव में वैल्यू क्या रख के, हमने रख के देख ली क्या, 0.7। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो जीरो आ सकता है, जीरो तो आ सकता है, जीरो से लेकर 0.99999 ऐसे चले जाओ, वहां तक होगा फ्रैक्शनल पार्ट, पूरा इंटीजर नहीं होगा, 1 भी वैल्यू कभी अटेन नहीं कर। ओके, जैसे जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, जीरो क्या क्या होगा, देखो 0 -0 तो क्या होगा, जीरो, जीरो वैल्यू हो सकती है फ्रैक्शनल, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब देखते हैं हम इसका ग्राफ, यानी एक्चुअल में -3.3 है, तो इसमें क्या आप माइनस को बोल जाओ, -3 -3 है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या जो कितना जोड़ेंगे, इसमें 0.7 जोड़ेंगे, तो यही क्या है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। नेगेटिव में देखें तो वो ऐसे आएगा, अगर पॉजिटिव में होता 3.3 तो आराम से लिखते थे 0.3, लेकिन -3.3 है तो हम इसका क्या करेंगे, 0.7। इस तरह से आपको याद रखना। अब देखते हैं अपन इसका ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से चीजें आपको काफी क्लियर होंगी कि इसका ग्राफ कैसा आता है। जैसे वाई ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ओके हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा अब वैल्यू रखो आप यहाँ पे, जीरो रखो तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। ओके 1 रखो तो वैल्यू क्या आती है, 1 पे रख वैल्यू रखो वो भी जीरो आएगी। मैंने आपको बताया ना, एवरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर फंक्शन इज जीरो, तो भी जीरो आएगी। 2 रखोगे तो भी जीरो, 3 रखोगे तो भी जीरो, -2 रखोगे तो, क्योंकि माइनस में वैल्यू माइनस करोगे तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही आएगी। ओके ओके अपन आप देखते हैं, यदि 0.5, यदि 0.5, यदि 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, अच्छा 0.5 रखते हैं, अच्छा 0.5 देखते हैं अपन, 0.5। अच्छा वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5, तो कितना होगा भाई, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 में से क्या कर माइनस करें, वो 0.5 अपन पूरा करके देखते हैं ना, 0.5 -0, यानी एक्चुअल में क्या है 0.5, यानी 0.5 रखूँ तो वैल्यू इसकी भी 0.5, ये वैल्यू तो यहाँ तक रहेंगे, तो इसका ग्राफ आएगा, जैसे 1 रखा तो फिर 0 चला जाएगा, तो इसका ग्राफ आएगा ऐसा कुछ, इसका ग्राफ आएगा ऐसा। ओके और 1 पे क्या रहेगा, ये वैकेंट रहेगा, ये होलो जो पार्ट करते हैं ना, ये क्या रहता है वैकेंट, मतलब इस पे वैल्यू नहीं है, वो ये वैल्यू मिसिंग है, मिसिंग वैल्यू, ये क्या ऐसी वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू। ओके ये वैल्यू क्या है, मिसिंग वैल्यू। इसी तरह से इस 1 से लेकर 2 के बीच में ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन जस्ट, एंड 2 पे क्या रहेगा वैकेंट। इसी तरह से 2 से लेकर 3 के बीच में, अच्छा ये आपको समझ में तो आ रहा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा चलेगा, तो इसका ग्राफ आएगा ऐसा कुछ। अच्छा अब मेरे को बताओ डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन क्या है इसका, अच्छा, डोमेन क्या है बताओ, अभी देखते हैं इसका। अभी आपने कहा सर पीछे वाला तो बनाया, पीछे वाला वो देख लेते, -1
माइनस टू, माइनस थ्री। अच्छा माइनस वन से लेकर, देखो माइनस वन पे तो क्या आएगा, जीरो, और 0.9 माइनस 0.9 कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.9 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.9 रखूँगा तो वैल्यू आएगी 0.1, तो ऐसे चलेगा ग्राफ, ग्राफ ऐसे चलेगा ऐसे, यानी 0.2 माइनस 0.1 रखूँगा तो 9 आएगा, तो ग्राफ चलेगा ऐसे, ग्राफ चलेगा ऐसे, सेम एज इट इज वही पैटर्न फॉलो करें। तो अब देखो हम यहाँ पे वैल्यू क्या रख रहे हैं, क्या माइनस टू वैल्यू आ रही है, क्या माइनस टू वैल्यू आ रही है क्या, बताइए। एक्स में तो माइनस टू रख सकता हूँ मैं, एक्स में तो माइनस टू रख सकता हूँ, क्योंकि एक्स में माइनस टू पे वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो, और माइनस टू से और माइनस वन के बीच की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, उसमें उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सारे मतलब जहाँ जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसी पे रिलेटेड एक वैल्यू है मिल रही है मेरे, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस वन पे नहीं आ रहा, लेकिन माइनस वन पे रखता हूँ तो जीरो आ रहा है ना, यानी सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, डोमेन रख सकता हूँ मैं ऑल आर, एक्स की सारी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। अच्छा रेंज क्या होगी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों, और रेंज, अच्छा रेंज क्या होगी देखते हैं, रेंज क्या होती है, रेंज है वाई, अच्छा वाई में कहाँ से कहाँ तक ग्राफ है, वाई में एक्चुअल में जीरो से लेकर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये तो ये यहाँ पे तो वन हो ही जाएगा, और वन आएगा नहीं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वन आएगा नहीं, ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से, और जीरो हो सकता है, यानी जीरो पे क्या आएगा अपना क्लोज ब्रैकेट, और वन तक वैल्यू जा रही है, और वन पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। दिस इज द रेंज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, आपको समझ में आया, ये फ्रैक्शन मैंने आपको ये तो 0.99999 मैक्सिमम वन नहीं होगा, इंटीजर पार्ट नहीं, समझ में आया, रेंज समझ में आ गए। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है उसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू जीरो तो हो सकती है, लेकिन जीरो से बड़ी और छोटी किससे, वन से छोटी, यानी फ्रैक्शनल पार्ट जैसे हमने की ग्राफ में देखा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो होगा, कब जीरो होगा, जब एक्स क्या हो, एक इंटीजर फंक्शन हो, एक्स बिलोंग्स टू एन इंटीजर, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू एन इंटीजर, यदि इंटीजर होगा, टू में से टू माइनस करेंगे तो क्या होगा, जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वाई, यदि ऐसा करें, जरूरी नहीं है ये इसके इक्वल आए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई, ये जरूरी नहीं है, आप भी सकता है किसी वैसी कंडीशन में, लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल लगाते हैं अपन। और यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में से यदि मैं इंटीजर जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। क्या है, जैसे 2.3 का मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे मैं 2.3 में से क्या करूँगा, बॉक्स 2.3 माइनस कर दूंगा, 2.3 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, टू है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 0.3। ओके अब मैंने क्या किया, 2.3 में से एक इंटीजर पार्ट जोड़ दिया, एक इंटीजर जोड़ दिया, इंटीजर क्या हो सकता है, टू, टू एक इंटीजर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टू जोड़ दिया। तो देखिए अब ये सिंपल अलजेब्रिक करें तो यहाँ पे क्या आ गया, 4.3। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ 4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, 4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी ये बॉक्स वाला ब्रैकेट लगा दिया, कैसे ब्रैकेट लगाने थे, कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट 4.3, सॉरी 4.3 अब हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने एक इंटीजर यहाँ पे देखो इंटीजर दे रखा है, इंटीजर यदि हम जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं मारेगा, ये हम देखते हैं, तो 4.3 में से माइनस किया मैंने बॉक्स 4.3, ओके 4.3 माइनस 4, इतना समझ में आया, तो वैल्यू क्या आएगी, 0.3, वैल्यू कितनी आई, 0.3, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम, जबकि हमने यहाँ पे टू यानी एक इंटीजर को ऐड भी किया है तो भी वैल्यू क्या रही, सेम रही, यानी यदि हम किसी एक्स में
इंटीजर जोड़ दें तब भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो वो सेम आएगा एक्स के फ्रैक्शनल पार्ट के। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू दो वैल्यू होंगी। यदि इंटीजर है जीरो, यदि एक्स इज एन इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तो इंटीजर पे तो क्या होगा, दोनों वैल्यू ही क्या हो जाएंगे, जीरो तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। यदि एक्स इंटीजर नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू एन इंटीजर, इसकी वैल्यू होगी वन। देखिए एग्जाम्पल के एग्जाम्पल समझते हैं। यदि एक्स बिलोंग्स टू एन इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि एक्स मैंने मान लिया डेट एक्स इज इक्वल टू टू, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस टू, तो दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, जीरो प्लस जीरो, क्योंकि इंटीजर के फ्रैक्शनल पार्ट क्या होते हैं, जीरो, और जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो, तो ये सेटिस्फाई हो गए। अगली कंडीशन देखते हैं। अच्छा इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो 2.3 मान लें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 2.3, ओके। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.3 के हमने देख लिया, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है बताओ, 0.7, बिल्कुल बिल्कुल सही, 0.7। कैसे आएगी देखो, माइनस 2.3 माइनस किया, फिर माइनस बॉक्स माइनस 2.3, ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, एक बढ़ जाती है ना वैल्यू, माइनस का माइनस 3 हो जाती है। अच्छा माइनस 3 होगा, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 2.3 प्लस 3, अब प्लस 3 में से 2.3 माइनस में जाएंगे तो कितना बचेगा, 0.7, हमने देख लिया ये पार्ट, तो यहाँ पे 0.3 प्लस 0.7 की वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी सेकंड कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यदि इंटीजर नहीं है तो एक्स इज एन एक्स इज की वैल्यू क्या आएगी, 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यदि आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लगाते हो और उसका क्या ले लेते हैं हम, जी आई एफ यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और देखते हैं यदि आप पहले बॉक्स फाइंड आउट कर लो और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स लगाओगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एक्स की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 7.3। अच्छा 7.3 का फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लेता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट आता है इसका 0.3। अब मैं इसका क्या करता हूँ, बॉक्स बॉक्स करता हूँ तो क्या आता है, जीरो, बिल्कुल सेटिस्फाई कर। दूसरे कंडीशन, यदि 7.3 है उसका पहले मैंने बॉक्स फाइंड आउट किया तो वैल्यू आई 7। अच्छा अब उसका मैं फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करता हूँ तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, जीरो। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।